हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सर्दियों का टाइम आ गया, मुझे तो बहुत ठंड लगता है, इसलिए मैं सॉल में हूँ। आज सर्दियों के टाइम पे आज मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। इससे ये है सूखा का खोआ, तो इससे मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं गुलाब जामुन इस खोआ से हम कैसे बनाते हैं। बनाने वाले हैं, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले खोल लेंगे इस तरीके से। इसको ये कद्दू कस वाले थे, इसको हम ऐसे इसको तब तक मैश करते रहेंगे कि जब तक अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं आ जाए। इसका खुशबू इतना अच्छा आ रहा कि क्या होता है। इसमें अभी बहुत टाइम टेकिंग का चीज़ है ये, और टाइम लगेगा तब तक इसको करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर इसको मिलाने के बाद फिर आप लोगों को हम दिखाएंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इंडक्शन पे इसको चढ़ा देते हैं और इसमें डाल देंगे हम लोग 2 कप पानी। अब इसमें हम लोग डालेंगे, कल इसको पूछ देते हैं, कप से 2 कप इस पे चीनी डाल देंगे। देखिए इसमें ये सोडा है, बेकिंग पाउडर, ये हम लोग इतना छोटा टीस्पून लगभग इसमें डाल दिए। अब इसको हम लोग मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से रेडी हो गया है, हमारा ये ग्रेवी बन चुका है। अच्छे तरीके से रेडी होने का एक निशानी है, जैसे इसको ले करके हम लोग इस तरीके से बॉल बनाएंगे। और जब ये बॉल अच्छे से रेडी हो जाता है, देखिए ये बॉल अच्छी तरीके से बन चुका है, तो फिर लगता है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, लेकिन थोड़ा सा और लगेगा। तब तक हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसको मिलाने के बाद फिर उतना ही इसको मतना पड़ेगा, गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसमें पहले एक बॉल डाल के देखते हैं हम लोग कि ये एक बॉल अच्छे से इसको पहले अच्छी तरीके से पका लेंगे, उसके बाद बाकी सारा बॉल को फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। पहले बड़ा बड़ा खिला है क्योंकि हम बड़ा बड़ा बनाए थे, इससे निकल नहीं रहा है, हम लोग इससे निकालेंगे। डालेंगे चाशनी में इसको। फिलहाल हम चाड़ी बना रहे हैं क्योंकि मेरे बेटा को नहाना है, उसके सर आने वाले हैं, बाकी हम बाद में बना लेंगे। बस चार बना के आपको हम दिखा देते हैं कि ये कैसा बना है। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए चाशनी में छोड़ देते हैं, इसको हम लोग ढक देते हैं, थोड़ा देर बाद देखेंगे कि कैसा ये बना है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग, 15-20 मिनट लगभग हो गया है कि ये कैसा बना है, कैसा खिला है ये। एक निकालते हैं, इसको डाले, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको हम लोग काट के देखते हैं कि ये कैसा खिला है। देखिए बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा है और ये काफ़ी अच्छा बना है। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो काफ़ी अच्छा बना है। अभी आएंगे तो इनको खिला के दिखाएंगे कैसा बना है। फिलहाल जीतन को खिला के देखते हैं कैसा बना है। अब ये जीतन टेस्ट करेगा, खा के देखो जीतन कैसा बना है, कैसा अच्छा लगा, बाजार जैसा लग रहा है। चलो फाइनली हम पास हो गए और बाकी गुलाब जामुन तो अब हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी बहुत काम है। आप लोगों को दिखाने के लिए हम 4 पीस बना लिए थे, चलिए अब ढेर सारा है क्योंकि लगता है 20-25 पीस उसको बनाने में टाइम लगा, हम आराम से बनाएंगे।